जंजीर लोगों ने पकड़वा रखा था या पहना रखा था, ओम प्रकाश राजभर ने उसको चूर चूर कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी की जो लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा लागू हो, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बिजली वितरण का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश में जो बिजली के बिल बकाए हैं वो माफ़ किया जाए, निःशुल्क इलाज हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिले, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, उत्तर प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार अपराध का समाप्त किया जाए, ये सारे जो एजेंडे हैं, ये सारे एजेंडे को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर लिया है और जनता ने मन मिजाज बना लिया है भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पच रही है और काले कोट में भारतीय जनता पार्टी के सरकारी गुंडों ने यह काम किया है, इससे लोकतंत्र पर भी एक दाग लगा कल के घटना से कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का भी गला घोटा जा रहा है, चुनाव आयोग का भी गला घोटा। आप लोगों ने चुनाव आयोग को कल ही मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है कि इसमें जो लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं वीडियोज निकाल के देखे जाएं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरेबान पर हाथ डालना और मुझे गोली मारने की धमकी देना कि क्षेत्र में निकलेंगे तो गोली मार दिए जाओगे, चुनाव प्रचार एक भी दिन नहीं होने देंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग के संज्ञान में उन्होंने दे रखा है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि उसे तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे जो समंतवादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, उनको जेल का रास्ता दिखाया। क्या हाल है शिवपुर में, आप चल रहे हैं जो जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं शिवपुर में, क्या हाल है? ऐसा है कि शिवपुर में विरोध कहीं कुछ नहीं, भी नहीं है। कल कोर्ट में जिस तरह से लोग, कल कोर्ट में मैं पहले बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारी गुंडे थे, तो उसको लेकर शिवपुर में जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि ओम प्रकाश राजभर पूरी ताकत के साथ संपूर्ण समाज संपूर्ण वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है, हम ओम प्रकाश राजभर की आवाज़ को नहीं दबने देंगे और इनके विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने मन मिजाज पहले ही बना रखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है।